हेलो दोस्तों, बुक रिव्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं अभिषेक मित्तल हाजिर हूँ एक नई बुक का रिव्यू लेकर। ये रिव्यू ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की बुक का है, जो कि यूज़फुल है सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ICI ने सीए फाइनल और सीए इंटर दोनों में 30 मार्क्स का MCQ सभी पेपर्स में इंक्लूड किया है। तो ज़्यादा मैं बात करूँगा और भी चीज़ों की कि आप वो MCQs कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूँगा उसका। आप उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा MCQ अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप एग्ज़ाम टाइम के MCQs को रेफ़र कर सकते हैं। और एग्ज़ाम टाइम के MCQs की जो ख़ास बात ये है कि एग्ज़ाम टाइम के जो MCQs हैं वो आपको फ़ोन में आप कर सकते हैं। आप उस MCQ को ऑनलाइन परचेज करके उसमें दिए गए कोड को वेबसाइट में जाके आप अपनी प्रोफाइल बना के आप उसको कोड को एक्टिवेट कर लें और आपको कोर्स से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। वो आपका एक तरीके से एजुकेशनल फेसबुक है। आपको वहाँ पे सारी एजुकेशनल पोस्ट मिलेंगी, आपके गाइडेंस मिलेंगी और आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं MCQ की। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दूंगा। और अभी मैं रिव्यू करने वाला हूँ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस CA सुरभि बंसल मैम की बुक का, और रिलेटेड जो ब्लॉग्स अच्छे ब्लॉग्स हैं मैं उसका भी लिंक ऑडिट के जो हैं वो लिंक दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रिव्यू स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये बुक CA इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस के लिए ही यूज़फुल है और किसी के लिए यूज़फुल नहीं है। इसमें जो कि कंपनीज़ एक्ट 2017 के प्रोविजंस हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं वो इंक्लूड की गई हैं, जो कि मई 2019 के लिए यूज़फुल हैं। दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन पेपर पिछले 20 CAIPC और उसके इंक्लूड किए गए हैं और इसमें MCQs भी अब कुछ हद तक जो है इंक्लूड किए गए हैं। इस बुक का MRP जो है वो 700 है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 700 MRP है। इसमें कारो और बाकी जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। इस बुक की थिकनेस इतनी है, आप देख पा रहे हैं, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है। यहाँ पे ये 20 चैप्टर्स हैं इस बुक में। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ एब्रिविएशंस दिए गए हैं। सपोज़ करिए आप कोई चैप्टर पढ़ते पढ़ते WR लिखा हुआ आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं कि WR का मतलब क्या होता है, तो इसका होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो इसी प्रकार से जो एब्रिविएशंस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप फंसें तो यहाँ पे देख सकते हैं और अगर पहले से देखेंगे तो नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिया गया है ओल्ड सिलेबस का, आपको थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ओल्ड सिलेबस का नवंबर का मई का दिया था वो, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा आपको दिया गया है कि कैसा होता है, ठीक है। पहले जैसा कि 20 पेपर्स इसमें इंक्लूडेड हैं तो 20 होंगे ज़रूर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है पहला चैप्टर। अगर दोस्तों ने मुनीश भंडारी की बुक पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो ये इसकी जैसी ही है। सेम आपको जो है टेबलर प्रेजेंटेशन मिलेगी सभी चीज़ों की। टेबलर प्रेजेंटेशन से आपको इजीली, बहुत ही इजीली जो है चीज़ें समझ में आ जाती हैं। किस टॉपिक का कितना पढ़ना है वो भी समझ में आ जाता है, क्योंकि एक बॉक्स में अवेलेबल होता है वो, ठीक है।
तो सबसे बुरी बात टेबुलर प्रेजेंटेशन की ये होती है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे प्रेजेंट करना है, आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे तो आप इजीली पढ़ लेते हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा पेपर डिफरेंट आता है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसी भी तरह से ये पूरी बुक है, यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर, कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसको ही सत्य मान के अपनी स्टडीज़ को ना करें, क्योंकि जो दिया है ज़रूरी नहीं वो आएगा, ठीक है। तो आप इसको एज अ रेफरेंस बुक यूज़ करें, ICAI का मटेरियल ज़रूर यूज़ करें, आप बेनिफिट रहेगा आपको काफ़ी। इसको एज अ रेफरेंस बुक ही यूज़ करें, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है, समझने के लिए बहुत अच्छी बुक है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, और जैसे कि मैंने आपके बताया, एग्ज़ाम टाइम के क्वेश्चंस का मैं जो है लिंक दूंगा, आप उसको डिजिटली कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। एंड्रॉइड फ़ोन्स का ज़माना है, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कब कब आए हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरी बुक में जो है प्रेजेंटेशन है सभी चीज़ों की, कुछ MCQs दिए गए हैं। ज़्यादा MCQs आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आपको एग्ज़ाम टाइम रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लॉग्स की मैं लिंक्स दूंगा यहाँ पे, आप इसको अच्छे से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं आप वहाँ देख सकते हैं। और बाकी भी जो न्यू बुक्स हैं मैं उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा, जो अच्छी बुक्स हैं जो आपको इंटर CA इंटर में यूज़फुल रहेगा, मैं उसका भी प्रोवाइड करूँगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। और नई वीडियो का वेट करिए। थैंक्स।